और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक के यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की। गुलाब सिंह के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ा। दिल्ली के पटियाला से एमएलए गुलाब सिंह गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी रह चुके हैं। गुलाब सिंह, ये बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक के घर पर ईडी ने रेड की। और ये बताया जा रहा है कि गुलाब सिंह गुजरात चुनाव के प्रभारी भी रह चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां एक तरफ ईडी रिमांड पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के विधायक के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। गुलाब सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। दिल्ली के पटियाला से एमएलए हैं गुलाब सिंह। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि आईटीओ के पास आम आदमी पार्टी प्रदर्शन यहां पर करेगी। शहीद पार्क में विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जाना है। आम आदमी पार्टी के विधायक, एमएलसी, पार्षद इसमें मौजूद रहेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पूरे देश भर में जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध यहां पर दर्ज कराया जा रहा है। और आपको बताएं कि दिल्ली में भी ये प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और इस वक्त हम सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद है दीपेश, तो वही राउज एवेन्यू कोर्ट से प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी, के कविता की, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होने। लेकिन सबसे पहले दीपेश, आपके पास आते हुए, कल की रात भी अरविंद केजरीवाल की ईडी दफ्तर में ही कटी, क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? क्योंकि सवालों की लंबी फहरिस्त है, करोड़ों की घूस लेने का आरोप है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी अंदर से? देखिए, बिल्कुल, कई गंभीर आरोप जो हैं वो गायत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे हुए हैं। और यही कारण है कि कल ईडी ने भी कोर्ट में इन तमाम आरोपों का जिक्र किया। और यही कारण है कि 7 दिन की कस्टडी जो है वो अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिली हुई है। और आज से अब ईडी जो है वो पूछताछ तेज करने वाली है। वो तमाम सवालों का सामना जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना होगा, बताना होगा कि आखिर इतना बड़ा मनी ट्रेल कैसे हुआ। अब के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठा कर भी इस पूरे मसले को कर पूछताछ हो सकती है। यानी समझा जा सकता है कि ईडी जो इतने लंबे समय से इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, मनी ट्रेल को लेकर जांच पड़ताल कर रखी है, अब उस पूरे मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल, जिन्हें किंग पिन बताया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब होने के। यानी अब सवाल जवाब जो है वो आमने सामने बैठा कर भी यहां पर हो सकते हैं। दीपेश, आपके पास वापस लौटे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, के कविता की आज कोर्ट में पेशी होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज के कविता की पेशी होगी। और आज दरअसल 7 दिन की ईडी रिमांड यहां पर खत्म हो रही है। शराब घोटाला केस में दरअसल के कविता को गिरफ्तार किया गया था, रिमांड पर लिया गया था ईडी की तरफ से, और आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट में एक बार फिर से पेशी यहां पर होगी और कोशिश यही होगी ईडी की कि क्या रिमांड जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी भी पूछताछ, अभी भी कई सवाल जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, इंतजार है कि के कविता को भी कि आखिर उनकी उन्हें राहत कब मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह कि आज एक बार फिर से पेशी होने जा रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ठीक 12 बजे का समय तय किया गया है जबकि कविता की पेशी होगी। के कविता वही नाम जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है और शराब कारोबारी की पूरे एकदम साउथ ग्रुप लॉबी को लगातार वो देख रही थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी, आज 7 दिन की रिमांड पूरी हो रही है, इस रिमांड को बढ़ाने को लेकर ये कहा जा सकता है, और क्या कुछ जानकारी हमारे पास? देखिए, कुल 14 दिन की रिमांड मिल सकती है मैक्सिमम, 7 आज पूरी हो रही है, 7 अब आगे भी मिल सकती है। अब इसमें जितना कोर्ट के ऊपर है डिमांड, ये देखना पड़ेगा कोर्ट को कि आखिर जो पिछली बार रिमांड ली गई थी, फ्रेश गिरफ्तारी हुई थी, उसमें ये बोला गया था कि 100 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली सरकार को दिए, साउथ लॉबी का नेतृत्व कर रही थी, इनके 50 करोड़ रुपये इन्होंने खुद मैनेज किए, इंडो स्पिरिट में इनकी हिस्सेदारी थी। अब रिमांड लेने के लिए कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इन 7 दिनों में इनसे क्या हासिल हुआ। एक सूत्र और बता रहे हैं कि अब कोर्ट, ईडी कह सकती है कि हमें इनको केजरीवाल से कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि कल ही केजरीवाल की ईडी कस्टडी मिली है, तो एक आधार ये बनता है कि वो कस्टडी मांगे कि केजरीवाल और इनके बीच जो साउथ लॉबी। प्रियंका, आपके पास हम लौटेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारत की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये देश रशिया की राह पे है,
और पुतिन ने जिस तरीके से सारे विपक्ष को ख़त्म करके एक छत्र राज बनाया, बांग्लादेश में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया, नॉर्थ कोरिया में देखा गया, अब हिंदुस्तान भी उस राह पे है। और अब बात करते हैं मॉस्को में हुए आतंकी हमले की। बड़ी जानकारी आ रही है कि मरने वाले की जो संख्या है वो बढ़ गई है 80 तक, अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जिस तरीके से इस गंभीर हमले को अंजाम दिया गया है इसमें अब आंकड़ा 80 का बताया जा रहा है। रूस में हुए आतंकी हमले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में करीब 150 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कंसर्ट जिस दौरान हो रहा था क्रोकस मॉल में, वहां पर हमला किया जाता है आतंकियों की तरफ से, अंधाधुन गोलियां बरसाई जाती हैं और इसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है। तस्वीरें भी यहां पर सामने आ गई हैं कि कैसे कंसर्ट हॉल में ये आतंकी घुसे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर कि हमले के बाद एक्शन में राष्ट्रपति पुतिन, हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए और यह बताया जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, काम पर रहेंगे इमरजेंसी सर्विसेज के अफसर। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिस तरीके का बड़ा टेरर अटैक मॉस्को में हुआ है, मॉस्को दहल गई है उसके बाद यह बड़ी जानकारी। हमले के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए हैं, जो स्पेशल फोर्सेज के अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त दो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता सर जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड मेजर जनरल मेजर समरपाल तूर सर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वीके दत्ता सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि पैटर्न आप क्या समझ रहे हैं, जिस तरीके से इसे अंजाम जो है वो दिया गया और एक आतंकी संगठन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे हमले को जो है एग्जीक्यूट किया, इसके पीछे पैटर्न आप क्या देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये बड़ा अभी फिलहाल एक ग्रे मामला है, जिसके अंदर कि अमेरिका कहता कि हमने रशिया को आगाह किया था 8 मार्च को कि आपके किसी बड़े कॉन्सर्ट हॉल में हमला हो सकता है, आतंकी हमला जी। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि इसके अंदर यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है। यूक्रेन ने तुरंत डिनायल दे दिया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब CIA को कहां से पता चला कि आतंकी हमला होना है, CIA या अमेरिका को कैसे पता चला कि यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया है। अभी ISIS खुरसान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है जी। वो लोग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, हो भी सकते हैं, क्योंकि रूस ने जो सीरिया में मदद करी थी वहां बशीर अल असाद की, उस हालत में ISIS के खिलाफ बहुत तगड़ा एक्शन किया था रशिया ने, तो वो एक इनका है जो इनका भेदभाव था ISIS के साथ में कि रशिया से बदला लेंगे। लेकिन इस माहौल में जबकि जंग को 2 साल खत्म हो चुके हैं, 3रा साल लग गया है, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट में है, 24 घंटे हर एक प्रकार की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अपडेट रखा जाता है, इस हालत में हमला हो जाना एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है रशिया के साथ। और अभी रशिया इसको कैसे काउंटर करेगा, इसके बाद वो क्या कार्रवाई करेगा, यकीनन एक बड़ा जवाब दिया जाएगा रशिया के द्वारा। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग का आह्वान किया है जी। और रशिया ये भी बोल रहा है कि इसके अंदर CIA इन्वॉल्व है।